सर, ये नए प्रोजेक्ट की फाइल बनाई है, मैं चाहती हूँ आप एक नज़र देख लें। तुम बैठो तो सही। सर देख, शुक्रिया सर। मैंने हैंडीक्राफ्ट्स के कुछ नए आइटम्स का सर्वे कराया था, उसी बेस पर एक्सपोर्ट का एक नया प्रोजेक्ट प्लान बनाया है। ऑलराइट, इसे इत्मीनान से देखते हैं। पहले तुम ये बताओ कि तुमने करण के बारे में क्या सोचा है। अभी तक कुछ खास नहीं, अभी अभी तो वो लौटा है कनाडा से अपना कोर्स कंप्लीट करके। मैं नहीं चाहती सर कि जल्दबाजी में ही उस पर कोई दबाव डाले। सी उर्मिला, दिस इज वेयर आई डिफर। हाँ, दबाव मत डालो, लेकिन ही इज ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, तो जरूरी है कि उसकी किताबी पढ़ाई को अमली जामा भी पहनाया जाए। दिस थियोरी शुड बी गिवन एन इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली ऑल्सो। देखो, आज कॉम्पिटिशन का जमाना है, मुकाबले में खड़े रहने के लिए महज क्वालिफिकेशन नहीं, तजुर्बे की भी जरूरत है। तो नहीं, आप भी कुछ सजेस्ट कीजिए ना। देखो, अगर तुम कहो तो मैं मिस्टर बजाज से बात कर सकता हूँ। तुम जानती हो, बहुत बड़े बिल्डर हैं। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो। मैं जहाँ तक जानता हूँ, वो मेरी बात को टालेंगे नहीं। हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय सेल्फ। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हमसे ज्यादा आप हमारे बारे में फिक्र करते हैं। कितना कुछ करेंगे आप हमारे लिए। उर्मिला, ताउम्र इंसान खुद के लिए ही तो करता रहता है, कभी कभार ही तो दूसरों के लिए करने का मौका आता है। और यकीन मानो, इसमें बेहद खुशी, बेहद सुकून हासिल होता है। मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए नहीं, महज अपनी खुशी, अपने सुकून के लिए कर रहा हूं। एक बात करूं सर, सर कॉम्प्लीमेंट ही समझ लीजिए। आप वाकई बहुत अच्छे। हालात के ऐसे मोड़ पर आप मिल गए, वरना वरना मैं ना सही, कोई और मिल जाता। किस्मत को इतना मोहताज मत समझो। और ये फकीर अबाउट दिस, कमिंग टू पॉइंट, तो एक काम करो, करण की डिग्री, सर्टिफिकेट्स, उसकी मार्कशीट, तमाम चीज़ों की जेरॉक्स कॉपी बनवा लो, फाइल मुझे भिजवा दो, मैं बजाज साहब से बात कर लूँगा। That is very kind of you, sir. पर एक बात कहूँ, मुझे करण की इतनी फिक्र नहीं है जितनी मुझे प्रीति के बारे में चिंता होती है। एक बार वो MBBS हो जाएगी ना, तभी मुझे तसल्ली होगी। और मिला, तुम्हारे बच्चे तुम पर गए हैं, सिर्फ तुम पर। जिस माँ के हौसले इतने बुलंद हों, उसके बच्चे जिंदगी की बाजी में मात नहीं खा सकते, कभी नहीं। और इसे मेरा तजुर्बा नहीं, मेरा दावा समझना। शायद आप ठीक ही कह रहे हैं सर। मेरे बच्चों ने मुझे टूटते हुए, गिरते हुए, हारते हुए, संभलते हुए देखा। मेरे मन का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे ना, तो मैं समझूंगी कि मैंने दुनिया जीती।